जिसके लिए जो है डोरीमोन आंटी शॉपिंग को जा रही है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये डोरीमोन आंटी जो है बार बार हाउस वार्मिंग को घर की ठंडक क्यों बोल रही है? वो घर की गर्माहट बोलने वाले थे शायद हाउस वार्मिंग को हिंदी में कन्वर्ट करके, लेकिन उससे ये भी नहीं हो रहा था, घर की ठंडक ही बोल रही, मुझे समझ भी नहीं आता है। ज़रा मुझे ये चीज़ प्लीज़ एक्सप्लेन करना, वो बार बार घर की ठंडक बोलते, मैं जब भी सोचती घर की ठंडक क्या होती है, हाउस वार्मिंग मतलब घर जो है थोड़ा गर्म करना, तो उसको घर की ठंडक के ऑपोजिट क्यों बोल रही, उसको शायद हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, जो भी है। खैर फिलहाल तो डोरेमोन आंटी जी जो है अभी शॉपिंग ब्लॉग, पूरा ब्लॉग जो है शॉपिंग का, पहले तो फालतू बकवास किए, जहाँ पे ख़रीदने गए वहाँ पे भी बकवास किए, और शॉपिंग के नाम पे सिर्फ उसका ही शॉपिंग किया, पति के एक ड्रेस, उसमें भी आऊँगी मैं बाद में। तो शॉपिंग वगैरह करी आजकल ना। अच्छा, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, एक चीज़ बताना मुझे यारो, ये आजकल जो है ये कुछ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, चाहे ये स्ट्रीट फूड वाले हो या ये डोरेमोन आंटी हो या फिर ये साहिल सत्तानी, कुछ भी होता है ना उड़ सो शॉपिंग को चले जाते, कुछ भी होता है ये शॉपिंग को चले जाते। ये मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ये भाई इतने क्या गरीब भिखारी है कि इनके पास कपड़े नहीं है, या फिर ये इतने सालों तक जो घर बसा रहे थे ये क्या कर रहे थे कि इनके पास पहनने को एक जोड़ी अच्छे कपड़े भी नहीं है। कुछ भी हुआ, किसी का मैयत रहने दो, किसी का बच्चा हो पैदा हो रहने दो, कुछ भी होने दो, ये शॉपिंग को चले जाते। मुझे तो ये लगता है कि आजकल जो है ना ये नया जो है ना कंटेंट के नाम पर ट्रेंडिंग चल रहा है शॉपिंग का, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री फंड का जो यूट्यूब से उनको कुछ भी ऐसा बकवास, इनके व्लॉग में कुछ ऐसा सच कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे हम सीख सके, और या फिर अगर हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उनसे, और जहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होता है, अगर लोग उनको कमेंट करते हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ का हमको एक आइडिया दीजिए, प्राइस बताइए, तो ये प्राइस वाइज कुछ नहीं बताते ना कोई आइडिया देते। हाँ, व्लॉग में ज़रूर बोलते हैं कि ये मैं आप लोग को जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हर चीज़ में बारीकी से आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आप लोग की नॉलेज के लिए, ताकि ये चीज़ आप लोग भी जब करो तो आप लोग को नॉलेज हो, और वही लोग जब उनसे इंस्पायर होकर वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है ना 100 के तादाद में जो है ना बैक टू बैक सेम क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ना तो वो कमेंट सेक्शन पे उस चीज़ का रिप्लाई देते हैं, ना उस चीज़ उस क्वेश्चंस को लेके एक स्पेसिफिक वीडियो बना के उनका जो है रिप्लाई देते हैं। बस उनको व्यूज़ कमाना है तो व्यूज़ कमाने के लिए वीडियो बना देते हैं, और सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बना देते हैं कि आप लोगों की नॉलेज के लिए। हाँ, अब बात करते हैं कि ये कंटेंट जो है शॉपिंग का, तो मुझे लगता है ना ये आजकल ना एक ट्रेंडिंग कॉन्टेंट हो गया शॉपिंग का, कि जिन जिन लोगों के पास कॉन्टेंट के नाम पर कुछ नहीं है वीडियो शूट करने के लिए, सो ये लोग जो है ना शॉपिंग को चले जाते हैं। कुछ भी हो एज इफ ऐसा लगता है कि अब तक जो है ना ये नंगे थे, इनके पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, कुछ भी नहीं था इनके पास पहनने के लिए। ये खुद अपने मुंह से बोली कि मुझे तो रमज़ान में जो है 7-8 जोड़ी हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े। तो भाई एक औरत जो है वो साल में कितने कपड़े सिलाएंगी? इसको ऐसे लोगों को तो पेजेस जो है प्रमोशन के लिए भी कपड़े देते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा था एक पेज देखा था जिसमें वो पर्पल कलर की, जो लोग इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करते हैं उनको पता होगा, एक अनारकली पहनी थी। ठीक है, अब बुढ़ी भी हो चुकी है, इतना भी जो है ना चमक धमक की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुढ़ी अभी जवान हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया, मेरे जो साहिल सत्तानी के जो टाइम के जो सब्सक्राइबर थे, कुछ सब्सक्राइबर, तो उनको बड़ी मिर्ची लग रही है इनके बारे में अगर बोल दूँ तो, क्योंकि वो उनको जो है सपोर्ट करते पसंद करते। सो एक चीज़ मैं बोल दूँ, मेरा ये चैनल जो है ना वो मेरा चैनल है, मैं पब्लिक की वॉइस हूँ, पब्लिक की आवाज़ हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि आप लोगों को अगर पसंद ना हो तो मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं बोलूँगी। मुझे जिसके ऊपर बोलना होगा मैं बोलूँगी, जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं बोलूँगी। ये चैनल मेरा है, मैंने खड़ा किया है, ऑफकोर्स सब्सक्राइबर के वजह से ही खड़ा किया है, लेकिन मैंने अगर चैनल पे 100 सब्सक्राइबर है उसमें से 10 सब्सक्राइबर अगर मेरे खिलाफ जाते हैं तो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग गलत जा रहे हो, गलत को सपोर्ट कर रहे हो, और गलत को सपोर्ट करने में मैं आप लोगों का साथ नहीं देख सकती हूँ। हाँ, अगर गलत के खिलाफ अगर आप लोगों को बोलना है तो मैं आपकी आवाज़ ज़रूर बनूंगी। अब बात करते जो है ना टेडी बियर आंटी जी के ऊपर, तो एक औरत जो है साल में कितने कपड़े बनवाएगी, क्योंकि अभी जो है ना मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं साल में 2 या 3 मैक्सी लेती हूँ बस, क्योंकि मुझे घर में पहनने को ले लगते। मैं आप यकीन मानो, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपने ईद में लास्ट टाइम भी
बच्चों को देती हूँ, पति को देती हूँ, लेकिन बेडशीट लेती हूँ। हाँ, ईद में मैं घर का बेडशीट, डाइनिंग का कवर, ये सब लेती हूँ मैं, क्योंकि ईद के दिन मुझे बिस्तर, मेरा बिस्तर भी नया कपड़ा पहनी है डाइनिंग टेबल पे, ये सब छुटपुट घर की सामान लेती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए कुछ नहीं लेती हूँ। मेरा एक ही मतलब, जब मैं खुद के लिए बुका बब बोलते लो ना लो ना, लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैं लेके क्या करूँगी। पहली बात तो मैं ईद के दिन में बाहर जाती नहीं हूँ, अगर कोई बुलाता भी है तो मैं जाती नहीं, क्योंकि पूरे महीने का एक थकान होता है। ईद के दिन सवेरे भी चांद रात को नींद नहीं आती होती है, फिर ईद के दिन सवेरे उठ के भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मैं थक जाती हूँ। तो मैं ईद के दिन मैं रेस्ट लेती हूँ, और अम्मी के घर से जो खाना आता है मैं अपने घर पर भी बनाती हूँ, फिर अम्मी के अपने घर में कम बनाती हूँ, क्योंकि ईद के दिन बहुत आते रहते हैं। मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चलो, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं खुद के लिए नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये आता है कि मैं लेके क्या करूँगी। पहली बात मैं कहीं पे जाती नहीं, और जाती भी तो कपड़ों के ऊपर बुरखा पहनती हूँ, और मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मेरे जेठानी के घर पे भी जाती हूँ तो मैं बुरखा उतारती नहीं, मैं बुरखा लेके मैं थोड़ी वक्त के लिए जाती हूँ, अगर कभी जाती हूँ। अभी तो फिलहाल यूट्यूब में जब से आई तब से तो टाइम ही नहीं है बॉस, यूट्यूब में जब नहीं आई थी तब जाती थी, शाम के टाइम पर जाती थी 9-10 बजे के आसपास, खाना वाना खा के आ जाती थी, लेकिन अब जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मेरे पास टाइम नहीं रहा, और मेरे दोस्तों के पास भी सेम उनका चल रहा है, बहुत हसल वसल वाली लाइफ चल रही है। तो मैं लेके क्या करूँगी, वही पैसा अगर मैं अपने पति और बच्चों पे लगाऊंगी, घर पे लगाऊंगी, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये औरत बुढ़ी हो चुकी है, बच्चे जवान हो चुके हैं, ये 7-8 जोड़े कपड़े ईद में अगर ले रही है, पूरे साल इसके पास जो है क्या बोलते हैं प्रमोशन के कपड़े भी आते हैं, तो भाई इसको अभी फालतू खर्चे करने की क्या जरूरत है। शॉपिंग शॉपिंग बोली, पूरा शॉपिंग तो उसने खुद करी, खुद के लिए 4-5 जोड़ी कपड़े ले लिया, उससे ज़्यादा लिया। पति के टाइम पे सिर्फ एक जो है ना शर्ट का कपड़ा और एक शायद पैंट लिया, पति के टाइम पर प्रॉपरली दिखाया नहीं, और पति के टाइम पर जो है ना लिया भी तो पति के तरफ ऐसे देख रही थी, मुँह बना रही थी, मुँह ऐसे उतार रही थी कि भाई वो खुश नहीं है, जितनी नहीं वो एक्साइटेड और खुश खुद के शॉपिंग के टाइम पे थे, वो खुद के जूते चप्पल और शलवार कमीज के टाइम पे थी, उतना खुश देखना अनवर अंकल के शॉपिंग के टाइम पे वो नहीं थी, अनवर अंकल को वो ऐसे देख रही थी, हाँ ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। और अनवर अंकल की शॉपिंग के टाइम पे भी अनवर अंकल को बोलने नहीं दिया जा रहा था, माँ बेटा दोनों ही पसंद कर रहे थे, पर जिसके लिए कपड़ा है कम से कम उसको भी पूछ लो कि भाई तुमको कौन सा पसंद आ रहा है। अच्छा अशरफ के अब्बा तुमको कौन सा पसंद आ रहा है बताओ ना, तो एटलीस्ट वो बंदा अपने अपने पसंद का जो एक चीज़ है वो तो बोल पाए, लेकिन माँ बेटे वहाँ तो भी टूट पड़े, वहाँ पर भी वो अपनी जो है ना दादागिरी बोलो या फिर डोमिनेटिंग नेचर जो है ना वो दिखाने लग गए। मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि एक कहावत है ना कि अंधा जो होता है ना, अंधे के आँखों में अगर जब रोशनी आ जाती है ना तो सबसे पहले अंधा क्या करता है पता है, वो हाथ में जो उसकी छड़ी होती है ना उसको वो फेंक देता है, क्योंकि जो छड़ी एक टाइम पे जब उसकी आँखों की रोशनी नहीं थी, उसके जीने का सहारा था, वही छड़ी जब उसकी आँखों में रोशनी आती है ना तो बोझ लगने लगती है। सेम घर की औरत जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, और घर की औरत के अंदर जब तकब्बुर आ जाता है ना तो उस घर के मर्द का ना कोई इज्जत नहीं रहता। अच्छा अब बात करते शॉपिंग के बारे में आते हैं, अशरफ मियां के बारे में तो आएंगे, तो मुझे लगता है ना ये जो पूरा शॉपिंग उसने अपना किया, सिर्फ एक एक जोड़ा कपड़ा शायद पति को, वो शर्ट का कपड़ा देखा वो पति को दिया, तो मुझे ये फालतू खर्चा जो है ना समझ नहीं आता, क्योंकि अप्रैल को ही ईद है, ठीक है अप्रैल को ईद है, और ईद के टाइम में कोलैबोरेशन के भी बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, तो कपड़े तो इन लोगों को खरीदने की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। एज ए हाउस वाइफ मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी कमाती हूँ, भाई कम कमाती, ये लोग ज़्यादा कमाते, लेकिन कमाती तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सच इनको कपड़ों की ज़रूरत है। यही ऐसा तुम अपने घर के आसपास नया घर बनाया है, लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है, लोगों की जो है ना बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा करोगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा, ओल्ड एज में तुम लोगों को कुछ खिलाओ पेट भर के, एक टाइम का 2 टाइम का, या फिर ऑर्फन एज में छोटे बच्चों को खिलाओ, क्योंकि मैं ना पहले जाती थी इब्बू जब पैदा नहीं हुआ था ऑर्फन एज में, वहाँ पर जाके ना मेरा दिल बहुत रोता था अंदर से, खैर उसकी तो अलग स्टोरी है मैं बताऊंगी बाद में। तो ऑर्फनेज में खिलाओ बच्चों को, 1 टाइम 2 टाइम पेट भर के खिलाओ, या फिर उनको कपड़े दो, तो दुआएं मिलती है। ये सब फालतू के लिए करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में पैसा जो वेस्ट करने का, लेकिन उनको पैसा वेस्ट करना है, पहली बात तो ये दिखावा करना है कि भाई मैं बहुत पैसे वाली बन गई हूँ, और दूसरी बात जो है ना कंटेंट भी उनको चाहिए वीडियो बनाने के लिए। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, ये घर 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 का, ये स्ट्रीट फूड वाले भी उमड़ा उमड़ा उमड़ा, हालांकि प्रमोशन के उसमें गए हैं, हाँ इसके तो अलग मैंने वीडियो बनाया है, इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स में जाके देखिए आप लोग, और इस चैनल पे भी है, तो ये घर 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 ऐसा कर रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि उस घर को बनाने में उनकी मेहनत नहीं लगी, डेफिनेटली मेहनत लगी,
लेकिन इतना जो है ना, इतना तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, लोग बंगलों बना के भी नहीं करते हैं, बंगलों खरीद के भी नहीं करते जितना ये कर रही है। कुरान खानी कर रही है, स्किन ट्रीटमेंट करवा रही है, बालों के हेयर कलर आज देखा करवाई, बालों का ट्रीटमेंट करवाया, वो भी प्रमोशन का, ठीक है। फिर हाउस वार्मिंग पार्टी दे रहे, ठीक है, लोगों को बुला के खिलाना है, खिला, अच्छी बात है। लेकिन तुम खिला भी रही हो और सौ सौ बार बोल भी रही हो हाउस वार्मिंग पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी, जिन लोगों को तुम बुलाओगे वो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे यार, हम लोग को खिला रही, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे एहसान कर रही, खिला नहीं रही है। घर बना के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस उसने बना लिया हो, चंद्रयान 4 बना लिया हो, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और आज के व्लॉग में भी, आज ये कल का व्लॉग था, ये मैंने नोटिस नहीं किया, देखना वो क्या नाम है, आसिफ जो है, आसिफ फिर से जो है ना बाएं हाथ से जो है ना सलाम कर रहा था, वो माँ सामने बैठी है, एक तो मुँह से सलाम का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, फिर बाएं हाथ से, ये बाएं हाथ से सलाम करने का कौन सा तरीका हुआ भाई, तू दाएं हाथ से अगर मोबाइल पकड़ा हुआ है तो ऐसे करके भी बाएं हाथ से, अगर दाएं हाथ से सलाम करके हम भी कैमरा पकड़ते हैं ना, इधर से तेरी माँ भी दिखाई दे रही, इधर से तेरा दाएं हाथ से सलाम भी हो जा रहा, बाएं हाथ से तूने फ़ोन भी पकड़ लिया, ये कौन सा तरीका हुआ। वैसे इसकी माँ जो है टोकेगी कि ये खुद अपने पति की इज्जत नहीं करती पूरे व्लॉग में। अच्छा आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं गलत बोलती हूँ गलत बोलती हूँ, ये चीज़ आप लोग नोटिस करना कि पहले पहले जब ये फेमस नहीं हुई थी, ठीक है, इतना सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तब अशरफ अंकल हर जगह पे दिखते थे, सॉरी अनवर अंकल हर जगह पे दिखते थे, इनके नाम भी ये ऐसे ना, आसिफ, अशरफ, अनवर, अफरोज, तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, अनवर अंकल हर जगह दिखते थे। लेकिन अब क्या होता है ना, अब हर चीज़ में आसिफ 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 आसिफ, ठीक है भाई, बच्चे जब बड़े होते हैं हम थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वक्त के साथ साथ जो है ना हमको चलना पड़ता है, बच्चों के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ आती है जो मुझे नहीं, जैसे मेरी बेटी को अरबी आती है मुझे नहीं आती, तो मैं उससे पूछती हूँ ये क्या है वो क्या है, तो मेरी बेटी बताती है, बट दैट डजंट मीन कि तुम पति को जो है तुम डिग्रेड करो, तुम पति को पीछे छोड़ दो, पति की कोई एज इफ जो है ना, मैं देखती हूँ ना व्लॉग में, अब तो आजकल तो अनवर अंकल दिखाई भी नहीं देते, हर चीज़ में जो है ना आसिफ आसिफ आसिफ। देखो बेटा क्या है ना, बेटा नो डाउट बेटा भी अपना है, लेकिन बेटा तब तक अपना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, शादी होने के बाद जो है ना वो बेटा जितना तुमको इंपॉर्टेंस पहले देता था वो नहीं दे पाएगा। लेकिन मुझे लगता है मर्द जो होता है ना, मैन ऑफ द हाउस, उसने तो आसिफ को मैन ऑफ द हाउस बना लिया है, लेकिन हालांकि मैन ऑफ द हाउस जो है वो अनवर अंकल है, लेकिन उसने आसिफ को बना दिया है। लेकिन यही बेटा कल को जब शादी होगी ना तो इतना इंपॉर्टेंस तुमको नहीं दे पाएगा जितना तुमको आज दे रहा है। और पति नई नई शादी में जितना भी खिटपिट हो, भले ही जितना खिटपिट हो, लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मैंने पर्सनली ये चीज़ जो है ना मैंने फेस किया है। स्टार्टिंग में हमारी शादी में इतनी लड़ाई होती थी, क्योंकि एक तो हम दो धर्म से, ऊपर से दो स्टेट से, और ऊपर से हमारे दोनों की लाइफ स्टाइल अलग, सब कुछ अलग, बातों का तरीका, मेरा हस्बैंड तो आज तक रुमाल को दस्ती बोलते हैं, मैं कितनी बार, मेरे बच्चे समझते नहीं है, ट्रस्ट मी, लिटरली मेरे बच्चे इसी घर में उनके अब्बा के साथ रह के भी दस्ती क्या समझते हैं। उस दिन इब्बू का अब्बा इब्बू को बोल रहे थे, इब्बू मेरा दस्ती देना वो दरवाजा, इब्बू से भी मैं छोटा मोटा काम करवाती हूँ, ऐसा नहीं करवाती हूँ, इब्बू से मैं फ्रिज से बॉटल निकाल के दे, बॉटल लेके जा, मतलब छोटा मोटा काम भी इब्बू से थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ मैं। तो इब्बू को उसका अब्बा ने बोला कि बेटा दस्ती दे, और वो दस्ती समझ नहीं रहा, मैंने इब्बू का अब्बा को बोली अरे बोलो उसको रुमाल, तो रुमाल जब बोला तब इब्बू ने वो मैं दरवाजे को उसमें हैंडल में ही ना लगा के रखते हो, आप लोगों ने देखे होंगे, तो तब जाके निकाल के दिया। तो क्योंकि हम लोगों के बोलचाल भी अलग है ना, तो बच्चों को मैं, बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मेरे साथ रहते हैं, तो मैं जो चीज़ बोलती हूँ तो बच्चों के अंदर वही चीज़ आ रही है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि माँ सबसे बड़ी टीचर होती है, बच्चों का सबसे पहला गुरु माँ होती है। सो मैं यही बोलना चाह रही थी कि इब्बू को दस्ती समझ भी नहीं आ रही थी, जब मैंने बोला रुमाल तब जाके इब्बू ने दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इब्बू का अब्बा की बहुत सारी चीज़ें आज भी जो है चेंज नहीं हुई है, और मैंने कभी चेंज करने की कोशिश भी नहीं की है उनके नॉर्मल लाइफ, उनका खाना हो, लेकिन ये चीज़ है कि शुरू शुरू में हमारे बीच में बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े, हर चीज़ को लेके झगड़े होते थे। मैं बिन माँ की लड़की, मैं मायके में खाना बनाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुमको तो अंडा तलना तक नहीं आता, क्योंकि उनका अंडा तलने का तरीका अलग है, ये लोग मिर्ची पाउडर डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं या फिर हरी मिर्ची का पेस्ट डालते हैं, ऐसे बनाते हैं, और हम बंगाली लोग प्याज, हरी मिर्च, नमक और हल्दी फेंट लो और डाल दो, सिंपल सा हमारा होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अलग थी,
हर बात पे लड़ते थे हम, हर बात पे शादी के बाद इतनी लड़ाई होती थी कि बदर का जंग का जैसे ना वो हो गया हो हमारा। लेकिन अभी एक वक्त के बाद ना आफ्टर 11 इयर्स अभी एक हमारे अंदर ना हम लड़ते हैं, आज भी लड़ते हैं, नो डाउट लड़ते नहीं, ऐसा नहीं है, हम आज भी लड़ते हैं, मैं आज भी उनको सुनाती हूँ, लेकिन वो एक लाइन होती है जो औरत को क्रॉस नहीं करना चाहिए या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच आ गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी के शुरू शुरू में भले किट फिट हो लेकिन मियां बीवी का जो साथ होता है ना वो हयात तक होता है, मतलब कि आखिरी स्टेज तक होता है। बेटा एक टाइम पे आपको छोड़ के अलग होकर बीवी के साथ चला जाएगा अगर बीवी का नहीं बना, लेकिन पति एक ऐसा चीज़ है जब तक उनकी हयाती है या फिर जब तक आपकी हयाती है आपके साथ ही होंगे बुढ़ापे का सहारा। हम पति को हर चीज़ खुल के जैसे बोल पाएंगे, नो डाउट मैं अपनी बेटी को भी हर चीज़ शेयर करती हूँ, उसके साथ भी मैं बहुत फ्रेंडली रहती, वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझती मेरे को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती जो मैं बेटी को नहीं बोल पाती, सिर्फ इब्बू के अब्बा को बोल पाती हूँ। तो और इब्बू के अब्बा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो उनके अम्मा को भी नहीं बोल पाती है, उनको सिर्फ इब्बू के अम्मी याद आती है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि एक अंडरस्टैंड बच्चे भले ही आपके हर चीज़ को जो है ना मेंटेन करते हो, आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना जो हर रिश्ते से परे होता है, जिसमें बहुत लड़ाइयाँ भी होती है लेकिन उसमें बहुत प्यार भी होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होता है। पति पत्नी को और पत्नी पति को जैसे समझ सकती है ना वैसा कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि तुम ठीक है आसिफ को इम्पोर्टेंस दे रही हो दो, लेकिन साथ ही साथ अनवर भाई को भी जो है ना मैन ऑफ द हाउस का जो है ना इम्पोर्टेंट तुम दो। लेकिन ये वही हो गया ना कि भाई पत्नी जो है जब तक पत्नी अंधी थी पति उसका हाथ जो है ना लाठी बन के रहा, जैसे ही पति सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और तकब्बुर आ गया सबसे पहले उसने लाठी को फेंका, उसको जो लाठी उसका सहारा था वो उसको बोझ निकलने लग गया। और अनवर भाई का भी आज जो है घर में वही एक जो है ना क्या बोलूँ मैं इंपॉर्टेंस हो गया कि वो ब्लॉग में भी ना के बराबर दिखते हैं, वो कैमरा के सामने पति को इंसल्ट करे, सास को इंसल्ट करे, आप लोग नोटिस करना उसका फेस एक्सप्रेशन जो है ना सेज इट ऑल, फेस एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत कुछ बताता है इंसान के बारे में। खुद के कपड़े ले रही थी तो कितनी एक्साइटेड हो रही थी, जैसे अनवर अंकल का कपड़ा लेने की बारी आई ऐसे देखी ये क्यों वो क्यों नहीं, कुर्ता क्यों, फुल कुर्ता की शर्ट क्यों नहीं, शर्ट क्यों, ऐसा मुंह बना रही थी जैसे कि उसको देने का मन ही नहीं था बट जबरन देना था। इसीलिए हम इधर बच्चों को देते हैं पति को देते हैं तो हम कैसे लगता है कि नहीं नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मैंने अपने बच्चों को और पति को दे दिया अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इनकी तो ये औरतें जो है ना ये कमरा खुद के लिए बनाती है, शॉपिंग ये खुद के लिए करती है, जीती भी खुद के लिए है, खुद का फेस का ट्रीटमेंट, बालों का ट्रीटमेंट, ना जाने कौन सा ट्रीटमेंट कर रही है, एक बार मुड़ के भी नहीं देख रही कि पति कैसा है। जो पति जब कल तुम कुछ नहीं थी, तोतली थी, बुटकी थी, फिर भी शादी किया, मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि जो औरत अपने शौहर का जो है ना कदर नहीं कर सकती उस औरत को जो है ना सोसाइटी में कदर करने का जो है ना वो कोई हक नहीं बनता है मेरे हिसाब से। देखो पति जैसा भी पति है, न मारता धरता नहीं है, ना दारू पीता है, ना तुमको जलील करता है, ना तुमको जो है ना भूखा रखा, जब तुम कुछ नहीं थी वही पति था। तो उस पति को आज अगर तुम कुछ हो तो जिंदगी की सारी खुशियां देने का तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई इस पति के, अगर पति मना कर देता कि नहीं तुझे पर्दे में रहना, तुझे यूट्यूब में नहीं आना, तुझे वीडियो नहीं बनाता है, तो तुम जो है ना आज जो ये जो शान पट्टी तुम कर रही हो ना वो शान पट्टी तुम नहीं कर पाती थी, तुम वही बुरखे में नकाब वाली बन के चुपचाप बैठी होती। उस पति ने तुमको आगे बढ़ने का मौका दिया, तुम्हारे कदम से कदम मिला है, जब तुम वीडियो बनाती हो न जाने शुरू में जब तुमने स्टार्ट किया था रील और वीडियो बनाना, उस पति को न जाने कितने लोगों ने क्या क्या बोला होगा, कितने लोगों ने क्या क्या बोला होगा। मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी सारे कंप्लेंट मुझे सुनने को मिलते हैं बुकाबा की तरफ से, मतलब उनको पहले पहले, अभी नहीं, अभी तो आदत हो चुकी है, अब मैं कमाती हूँ तो ससुराल वालों को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं कमाती हूँ। खैर तो स्टार्टिंग में सुनने को मिलता था, तो मुझे पता है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी में जब औरतें वीडियो बनाते हैं या फिर सोशल मीडिया में आते हैं तो हस्बैंड को सुनना पड़ता है, तो उसी पति ने तुमको सपोर्ट किया था, लेकिन अब जब तुम पैरों पे खड़ी हो गई, पति से अच्छा कमाने लग गई, तो पति को तुमने एकदम वो शेरू नहीं है, इनका शेरू की तरह, शेरू का भी घर में जगह नहीं है तो इनका भी है ना, अनवर अंकल का भी घर में जगह नहीं, ऐसा हो गया। मुझे ऐसे औरतों के ऊपर ना तरस आता है क्योंकि ये इसी दुनिया में इतनी मसरूफ़ हो गई, उनका रिलीजन और उनका ईमान जो है ना पैसा है,
और उनकी आंखों में ना वो डॉलर का साइन शायद छप गया, रुपी का साइन, डॉलर का नहीं रुपी का। इतना मसरूफ हो गए पैसों के अंदर, इतने घुस गई, इतने तकबर आ गए कि बात आंखें बंद करने के बाद का भी एक आफ्टर लाइफ है, उसमें तुम क्या जवाब दोगी। एनीवेज आज का व्लॉग में यही एंड करते, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी आज के दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आया कर, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड साथ ही साथ कमेंट के साथ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड मेरी वीडियोज़ अगर आप लोग को पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लो, क्यों बार बार आना जाना, सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेम्बर बन जाए। तभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, शुभरात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा।